हाय, मैं हूँ तुषामा और आप देख रहे हैं फंडू कंटेंट। भजन सम्राट अनूप जलोटा जो अभी अभी बिग बॉस 12 के घर से एविक्ट हो चुके हैं, उन्होंने उनके और जसलीन मतारू के रिश्ते के बारे में एक बहुत ही बड़ा सच सामने लाया है। उन्होंने उनका और जसलीन मतारू का रिश्ते को साफ साफ झूठा करार दिया है और कहा है, ये सब बिग बॉस शो के प्रोड्यूसर्स की प्लानिंग थी, ना ही मुझे इस बारे में कुछ पता था और ना ही मेरे और जसलीन के बीच में ऐसा कुछ है। आगे अनूप जलोटा ने ये भी कहा कि जसलीन मतारू और मेरे बीच में सिर्फ गुरु और शिष्य का रिश्ता है। और फिर उन्होंने शुरू से बताया कि ये सब की प्लानिंग कैसे हुई। उन्होंने बताया कि जसलीन मतारू को बिग बॉस शो से ऑफर आया था और इसी वजह से जसलीन मतारू ने अनूप जलोटा से कांटेक्ट किया कि वो बिग बॉस में उनके पार्टनर बनके जाए। पर जसलीन के ऐसे पहली बार कहने पर अनूप जलोटा ने साफ साफ इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि वो बहुत बिजी है और उनके पास टाइम नहीं है। पर जब जसलीन मतारू के पिता यानी कि केसर मतारू ने मुझे 2 से 3 बार रिक्वेस्ट किया, तब मैं उन्हें मना नहीं कर पाया और इसी वजह से मैं गुरु और शिष्य की तरह बिग बॉस 12 में आने के लिए तैयार हो गया। पर बिग बॉस 12 चालू होने के 6 दिन पहले ही जसलीन मतारू को उनके घर से ले जाया गया और बिग बॉस 12 के शो के प्रोड्यूसर्स और जसलीन मतारू दोनों ने मिलके ही ये प्लान बनाया और अनूप जलोटा को इन्फॉर्म भी नहीं किया। पर जब अनूप जलोटा को पूछा गया कि आपने तो कभी इनकार भी नहीं किया आपके और जसलीन के रिश्ते के बारे में, उस पर अनूप जलोटा ने जवाब दिया कि ना ही मैंने कभी उनका हाथ पकड़ा है और ना ही मैंने कभी जाहिर किया कि जसलीन मतारू मेरी गर्लफ्रेंड है। और हालांकि जब मैं घर के अंदर गया तब मैं सबको ये बता रहा था कि वो मेरी स्टूडेंट है। और जब भी ये सवाल पूछा गया तब हमने सिर्फ यही जवाब दिया कि हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अनूप जलोटा ने ये तक कहा कि मेरे परिवार वाले भी शॉक हो चुके हैं क्योंकि वो लोग आज तक जसलीन मतारू से मिले तक नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि लोग हमारे रिश्ते को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। हम दोनों के बीच में कोई प्यार वाला रिश्ता नहीं है, बस गायकी का रिश्ता है। हम दोनों ना ही एक दूसरे के साथ रोमांटिक है और ना ही फिजिकल है। ये खबर ने तो हमें भी खूब चौंका दिया है। और आगे भी ऐसी चौंका देने वाली मजेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए फंडू कंटेंट को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए।